यूपी में बदमाशों की अब खैर नहीं, वारदात अंजाम देकर बदमाश बच नहीं पा रहे हैं और इसका सबूत ये दो बदमाश हैं जिनकी तलाश लूट के मामले में थी और पुलिस ने रविवार को मुठभेड़ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। SP ग्रामीण डॉक्टर इरज राजा के मुताबिक SOG टीम और थाना निवाड़ी पुलिस टीम चौकी सौंधा से लोनी पाइपलाइन जाने वाले रास्ते पर आज सुबह गुप्त सूचना के आधार पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान काले रंग की मोटरसाइकिल पर दो युवक आते हुए दिखाई दिए जो संदिग्ध लग रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया तो वो तेजी से आगे बढ़ गए। पुलिस ने पीछा कर घेराबंदी कर ली। इस पर एक बदमाश ने पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। दोनों बदमाश मौके पर ही गिरफ्तार कर लिए गए। पूछताछ में घायल बदमाश ने अपना नाम देवेंद्र उर्फ आकाश बताया जबकि दूसरा बदमाश सुबोध है। दोनों बदमाश लूट के मामले में फरार चल रहे थे। बदमाशों के पास से लूटा गया टैबलेट, एक काले रंग की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, 36,000 रुपए, एक अवैध तमंचा, 315 बोर, एक कारतूस बरामद हुआ है। दोनों ही बदमाश लूटे गए माल को बेचने के लिए जा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज।